ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਸਭ ਇਸ ਕਰਨੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਦਲ सर एक मुन्ने ओए डालिया का चलो ऊपर है छोटू चल सेंटर पीछे के साथ उसका मिलान करें कि क्या ये बातें जो जैसा इस पे हमारे गुरुदेव जी ने हर एक ग्रंथ का पेज नंबर उसका पूरा जो भी है मंडल है जो सब पूरा लिखा हुआ है तो उसको मिलाएं तो आप ये पाएंगे कि बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अपनी तरफ से गुरुदेव जी कोई बात नहीं कहते हैं, अपनी तरफ से अगर वो कोई बात कहेंगे तो ये समाज उनको नहीं जीने देगा। तो जो भी बात लिखी है हमारे शास्त्रों से ही लिखी हुई है, तो उसको मिलान करें, उस पर विचार करें क्या ये सत्य है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप रुकने वाले नहीं हैं, तो आप इस सच्चे भक्ति मार्ग की तरफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल पड़ेंगे। तो जैसे हम जहाँ जितने भी आए हुए हैं सारे पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मार काट जो मची हुई है हिंदू मुसलमान ये वो सारा, तो यही ज्ञान जो एकमात्र ज्ञान है जो विश्व में शांति ला सकता है, अन्यथा बहुत बुरा हाल होने वाला है। कलयुग अपने पीक टाइम पे है और कहते हैं ना काल, जिसको काल कहते हैं जो सबको ख़त्म करने के लिए यहाँ आया हुआ है, उसका मुँह बहुत ज़्यादा खुल चुका है। वो एक दो में नहीं, वो हज़ारों में खा रहा है, हज़ार हज़ार बंदे वो कट्ठे लेके जा रहा है। कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि अपना मोक्ष कराना, उसके अलावा कुछ नहीं। कबीर साहब जब धरती पर आए थे तो उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया था, वो गाड़ियों में नहीं घूमे, परमात्मा थे, वो चाहते तो विमान ला सकते थे लेकिन उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि ये जो लोक है ये हमारा नहीं है, हम इस लोक के नहीं हैं, इस लोक में हम फंसे पड़े हैं और इस लोक में हमें ऐसे रहना है जैसे अपना कोई थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम रह रहे हैं यहाँ पर। लोक से नीचे आता है और आकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और लोगों में समाज में कुरीति दूर करता है और वह एक पूर्ण परमात्मा ही होता है और वो तीन रूप में अपनी लीला करता है। वेदों के ऋग्वेद नंबर मतलब कि ऋग्वेद के मंडल 9 के सूक्त नंबर पहले में ही बताया गया है कि जब वो परमात्मा अपनी धरती पर आता है वो तीन रूप से अपना शरीर को धारण करता है। एक रूप में तो वो क्या होता है कि जिंदा बाबा के रूप में आकर किसी को मिल जाता है, फकर फकीर रूप में आकर मिल जाएगा किसी को, अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाता है। लेकिन दूसरे रूप में क्या होता है, वो कहीं पर भी शिशु रूप धारण करके धरती पर अवतरित होता है और अपनी 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 महिमा गाता है और दोहों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है, मतलब समाज को जागृत करने की कोशिश। कबीर से पढ़ो और समझो, उसमें देखो तो कबीर साहब ने मतलब कि खंडन किया है, वो उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया,